घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप घर बैठे हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं, जिसमें कि ऑडियो क्लिप्स होती हैं जिनमें जो गुरु हैं, जो एक्सपीरियंस कलाकार हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग गाते हैं, उनके बाद आप रिपीट करते हैं, तो ख्याल आपको वहाँ सीखने को मिलते हैं, गीत आपको सीखने को मिलते हैं। तो कूपन कोड और लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देखिए, डाउनलोड कीजिए और सीखिए। बीच में आपने जो थोड़ा जिक्र किया था इसमें, जहाँ अध्यात्म आया था, योग साधना की बात आई थी, तो उसी से रिलेटेड एक और सवाल लोगों का रहता है और मेरा भी यही है कि जैसा आपने भी मुझे यही शिक्षा दी है, यही चीज़ समझाई है कि साहित्य, अध्यात्म और संगीत ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूजे के बगैर ये तीनों ही अधूरे हैं, है ना। अगर अध्यात्म सीखना है तो साहित्य और संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है, और उसी तरह साहित्य में भी, उसी तरह संगीत में भी इन सब का जरूरी है। तो वो कहाँ कहाँ चीजें रिलेट होती हैं, कहाँ कहाँ कनेक्ट होती हैं, है ना, वो हमें थोड़ा जानना है कि कहाँ संगीत में अध्यात्म है, किस किस जगह आ रहा है, कहाँ कहाँ आपको अध्यात्म की कितनी संगीत कितनी में अध्यात्म कहाँ नहीं है। हाँ, हर जगह पर है। जब आप स्वर, पहला स्वर लगाते हो तो वहीं से अध्यात्म आपका शुरू हो जाता है। अध्यात्म मतलब क्या? ईश्वर, ईश्वर है ना, है ना, ईश्वर या योग, योग है ना। ये सब जो हमारा संगीत है वो वास्तव में योग से ही उपजा है, योग से उपजा है ना। तो हम जब स्वर लगाते हैं तो सा आ, तो नाभि काम करती है ना, है ना, यहाँ से स्वर उपजा है तो उससे एकाग्रता बढ़ती है, है ना। वो जो सा लगाया है उसी को ओम लगा दो, दोनों बात है ना। तो वो अध्यात्म तो शुरू से ही है, और पूरे संगीत में जहां जहां भी जाओगे वहीं वहीं अध्यात्म है। आप अगर गा रहे हो, गाते गाते क्या ऐसा होता है कि आप गाते गाते ये सोच रहे हो कि खाना बन रहा है बाहर, मम्मी क्या कर रही है, या पिताजी कहाँ हैं, सोचते हो क्या? नहीं सोचते हो। नहीं। आपका ध्यान कहाँ होता है? हाँ। पूरा वहीं होता है, वहीं होता है। तो योग के अंगों में से ये कौन सा अंग हो गया? अष्टांग में से ध्यान हो गया ना, ध्यान हो गया, है ना, यानी एकाग्रता है ना आपकी। हाँ, हाँ, तो योग के सारे अंग यहाँ पर हैं। संगीत में कहीं भी देखो तो सब कुछ है, है ना। अगर आप शुद्ध मन से नहीं गाते हो, अगर आप के मन में अंदर शुद्धता नहीं है, है ना, आपने ढंग से अच्छे संस्कार नहीं लिए हैं, तो क्या आप सुरीला गा सकते हो? क्या नहीं गा सकते हो, है ना। अगर आप बैठे नहीं हो, साधना नहीं की है बैठने की आपने, और रियाज नहीं किया है, तो गा सकते हो क्या? नहीं गा सकते हो, है। तो अष्टांग योग के सारे प्रकार देख लो, एक एक चीज को रिलेट करो आपस में, तो क्या वो उसके बिना संभव है? नहीं संभव है, वही सारी बात है। तो योग तो पूरा गायन में है ही है, है, ही है, है ना। जैसे साहित्य भी पूरा आ ही गया, जो हम चीजें गाते हैं, शब्द गाते हैं, या जो रचनाएं गाते हैं उसमें वो रेफरेंसेस होते हैं। जैसे ठुमरी गाएं या ख्याल गाएं, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का रेफरेंस होगा, ये कृष्ण लीला होगी, राम लीला होगी, उन सब का जिक्र होता है। तो साहित्य हमारा पूरा, जो हिंदी लिटरेचर कह लो या संस्कृत की चीजें हो, और हम अगर गजल गाते हैं तो उर्दू की भी चीजें आ जाती है, तो लिटरेचर यानी साहित्य पूरा का पूरा है इसमें। और साहित्य में भी जो चीजें लिखी है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक की चीजें भी लिखी गई है, है ना, जो भजन है या जो ख्याल है वो सब आ ही जाता है। तो साहित्य, संगीत और आध्यात्मिक तीनों जुड़े विषय हैं आपस में। और एक जैसे आपने जो चीज शुरुआत में बताई थी कि ध्रुपद गायकी जो है वो मनोरंजन के लिए नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए होती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत मनोरंजन के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, है ना। भले हम आजकल ख्याल गायन गाते हैं, भले आजकल ख्याल गाते हैं, लेकिन उस ख्याल में भी बात वही है। ठीक है, हम ध्रुपद, हालांकि अभी ध्रुपद बहुत चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे वापस ध्रुपद प्रचलन में आने लगा है, लेकिन ख्याल गायन में भी एकाग्रता और वही सही वही सारी बात वही है, क्योंकि वो निकला तो वही से है ना, चीज तो वही है। चीज़ वही है।